तो देखो इसमें इफ मैक्सिमम लोड कैरियड बाय एलिवेटर 1400 केजी है मिला के टोटल, विच इज मूविंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इज 2000 न्यूटन. अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स भी है तो यानी कि बंदों का वेट तो बैलेंस करना ही करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बैलेंस करनी है, तो नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी आपको दोनों को मिला के. फिर उसके बाद क्या करना है, मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो मैक्सिमम पावर में क्या करेंगे, तो नेट फोर्स है वो क्या होगी, 2000 तो है ही है मैंने बताया, साथ में बंदों का वेट भी है, वेट क्या है उसका mg, क्योंकि इसमें एक्सेलेरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलेरेशन लिफ्ट की क्या होगी, जीरो. तो सिर्फ वेट उठाना है उसे, फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना है, तो टोटल फोर्स क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स 16000 न्यूटन. इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके आपके पास पावर आएगी, आंसर आएगा. मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है, मतलब आधा क्वेश्चन तो फोर्स का है और आधा क्वेश्चन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके पावर का है. जैसे ये क्वेश्चन है, ब्लॉक जिसका मास 5 kg है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पुल्ड अप ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन प्लेन है जिसके ऊपर एक बॉडी को ऊपर चढ़ाया जा रहा है, और ये जरूर देखना होता है कि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं और फ्रिक्शन है कि नहीं, फ्रिक्शन तो है नहीं, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन कितनी है इसमें 1 एक्सेलरेशन, द पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स एट टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड क्या होगी, 10 सेकंड के बाद पावर की वैल्यू आपको निकालनी है. तो पहले आप क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी से, पर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद की वेलोसिटी. तो आप पहले फोर्स निकालेंगे इंक्लाइन प्लेन में, फोर्स के लिए क्या करेंगे, फोर्स के लिए एफ, क्योंकि आप फोर्स कहाँ लगाएंगे, ऊपर, फोर्स ऊपर लगाएंगे, ऊपर लेके जाना है आपको, और नीचे का वेट क्या है, एम जी साइन थीटा, तो एफ माइनस एम जी साइन थीटा इज एम ए, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए, आपको इसमें एम पता है ए पता है तो आपके पास फोर्स आ गई. फिर 10 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी, वी यू प्लस ए टी, फोर्स इंटू वेलोसिटी करके पावर आएगी. तो पावर के जितने क्वेश्चंस हैं वहां पर आपको नेट फोर्स, देखो पावर की प्रॉब्लम में आपको फोर्स ही निकालनी है, फोर्स पता लग गई उसको एंड में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा. मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, फिर इसको एक बार ट्राई करो. किसी भी चीज को अगर उठाना है तो वर्क डन क्या होगा, एम जी एच अपॉन टाइम करेंगे तो वहां की पावर आएगी, तो एम जी एच बाई टाइम पावर है. अब देखें क्या आंसर आएगा इसका, A16 इसका आंसर है, A16 है. तो इसमें करना क्या है, रेशियो ऑफ पावर ऑफ द टू मोटर्स गिवन है दैट आर केपेबल ऑफ रेजिंग 300 केजी का वाटर इन 5 मिनट्स एंड 50 केजी ऑफ वाटर इन 2 मिनट्स और 100 मीटर डीप है. तो अभी काम क्यों नहीं करते, रेशियो ऑफ पावर निकाल लो, क्या होगी, एम जी एच बाई टी, एम जी एच बाई टी, तो मास दोनों में अलग है, हाइट दोनों में अलग है, टाइम दोनों में अलग है, तो पावर की क्या आ जाएगी, रेशियो आ गई. पावर की जो रेशियो आएगी उसको इसके साथ क्या कर लेना आपने कंपेयर, आपकी रेशियो 12:5 आएगी, पर उसने आंसर कुछ इस फॉर्म में गिवन है ना, ऐसे ऐसा कुछ गिवन है, तो रूट एक्स प्लस वन में क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे 4+1, तभी तो अंडर रूट ऑफ 4+1 आपके पास वही आंसर देगा जो यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 बनना चाहिए, तो 4+1 करेंगे तो रूट 2+ वो करके, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकालनी है. कुछ मत करो, इसको इसके साथ कंपेयर ही कर लो, छोड़ो आप ये जो टर्म है इक्वल टू 12/5 कर लो, स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग करके वैसे ही एक्स आ जाएगा, जरूरत ही नहीं कुछ करने की, नहीं तो ऑप्शन पुट करके देख लो, एक्स की वैल्यू पुट कर करके देखो, जिसका आंसर 12/5 आ गया, बस आंसर है. मेथड समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, नेक्स्ट बॉडी जिसका मास 1 kg है बिगन्स टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, वेरिएबल फोर्स है, तो the power developed by the above force at time t is equal to 2 second. तो आप एक काम करें, इसमें फोर्स की हेल्प से पहले एक्सेलेरेशन निकाल लें,
एक्सलेशन से वेलोसिटी निकाल लें, फिर पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है स्केल वेक्टर फॉर्म में, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो पहले आप वेलोसिटी वेक्टर निकाल लें, पावर वेक्टर तो है ही, तो पी वेक्टर डॉट वी वेक्टर आपके पास आंसर आएगा। तो एफ वेक्टर से ये देखो चेक करो, एफ वेक्टर से ए वेक्टर आएगा, इसको मास से डिवाइड करके ए वेक्टर आ गया। ए वेक्टर से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डी वी बाई डी टी, डी टी राइट साइड पर जाएगा, मेडिकल में शायद मुश्किल आना पर फिर भी चलो देख लें फर्क नहीं पड़ता, डी वी बाई डी टी, डी टी राइट साइड पर जाएगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वी वेक्टर आएगा। वी वेक्टर आ गया तो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर करेंगे तो टाइम डिपेंडेंट पावर आएगी, उसने कहा पावर निकालो एट 2 सेकेंड, तो टाइम को 2 सेकेंड पुट करके पावर आएगी। मेथड समझ में आ रहा है कि रूल क्या लगेगा इसमें, बेसिक्स क्लियर है इसके, ठीक है यहाँ तक? तो एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी कैसे निकलती है, क्लियर है? ए डी वी बाई डी टी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अब हम कर रहे थे इसमें कोलिजन का काम कर रहे थे, हमने एक कोलिजन का क्वेश्चन कर भी लिया था, हमने ये नहीं किया था शायद, हाँ ये नहीं किया। अब कोलिजन्स लगाते हैं, बॉल जिस कितना कैसे किया आपने, देखो इसमें क्या गिवन है, एक बॉल है जिसका मास 200 ग्राम है, रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 20 मीटर, तो 20 मीटर का पोल है, 20 मीटर की हाइट पर एक क्या रखी हुई है, एक बॉल को रखा हुआ है जिसका मास आपको गिवन है। एक बुलेट आती है जो कि 10 ग्राम की बुलेट है, इसको बुलेट हिट करती है, हिट द सेंटर ऑफ द बॉल, हिट को क्या, कोलिजन का क्वेश्चन हो गया, मोमेंटम कंजर्व होगा इसमें, कोलिजन हो गया, आफ्टर कोलिजन बोथ ट्रेवल इंडिपेंडेंटली, द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर और बुलेट हिट्स द ग्राउंड 120 मीटर, तो जो बुलेट है वो नीचे गिरती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 और जो बॉल है वो गिरती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30। रेंज गिवन है आपको, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, रेंज गिवन है, आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी के फॉर्मूले से लगता है, और टाइम आप निकाल सकते हो क्योंकि ये हाइट आपको कितने गिवन है 20 मीटर है, तो यहाँ से अगर आप वेलोसिटी निकाल लें इसकी चलने की तो एस इज इक्वल टू यू 0 + ½ gt² से कुछ आंसर आएगा टाइम का। चलो अलग बात है, कह रहे दो डिस्टेंस जमीन के दे दिए उसने 30 और 120 मीटर, वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या थी, तो बुलेट की वेलोसिटी थी क्या बस ये बता दो। तो देखो पहला रूल इसमें क्या लगेगा, 20 मीटर का पोल है, दोनों चीजें 20 मीटर नीचे गिरने वाली हैं, चाहे दूर गिर रही है वो बात अलग है, रेंज डिफर हो सकती है पर वर्टिकल डिस्टेंस दोनों में सेम है 20 मीटर। तो वाई एक्सिस में एस इज इक्वल टू 0 + ½ gt² लगा के आपने पहले टाइम निकाल लिया 2 सेकंड है, दोनों बॉडी जमीन पे 2 सेकंड में नीचे गिरेंगी, ठीक हो गया था। उसके बाद रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी टी, अगर बॉल की बात करते हैं बॉल कितनी दूर जाके गिरी, 30 मीटर दूर जाके गिरी 2 सेकंड में गिरी, तो बॉल की वेलोसिटी क्या आई 15। ऐसी बुलेट कितनी दूर जाके गिरी 120 पे आई, s is equal to vt लगाया तो बुलेट की वेलोसिटी क्या है 60। ये फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो ये बुलेट और बॉल की फाइनल वेलोसिटी है जब टक्कर हो चुकी है, टक्कर से पहले बॉल किस पे थी रेस्ट पे और बुलेट वेलोसिटी से मूव कर रहा था जो मुझे निकालना है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, कोलिजन से पहले मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बॉल तो रेस्ट पे थी इनिशियली, फिर आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो निकाल ली हमने, मास ऑफ बॉल और वेलोसिटी ऑफ बॉल जो निकाल ली हमने, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्या आ जाएगी बुलेट आ जाएगी 360। बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल भी टेस्ट कर गया और कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन भी कर गया, पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट
फोर इसमें बॉडी जिसका मास 1 केजी है कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली विद अ स्टेशनरी बॉडी जिसका मास 3 केजी है, 1 केजी 3 केजी को हिट करती है. आफ्टर कोलिजन स्मॉलर बॉडी रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड मूव विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल स्पीड स्मॉलर बॉडी की क्या होगी? तो पहला चांस क्या है, दोनों मूव कर रहे हैं राइट, इसकी वेलोसिटी पता नहीं 1 केजी की, ये रेस्ट पे है 3 केजी. आफ्टर कोलिजन ये रीबाउंड कर गया 2 के साथ और इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है. तो लगाएं मोमेंटम कंजर्वेशन. तो कोलिजन से पहले मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लगेगा, m1 u1 m2 u2 में तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू m1 v1 विद नेगेटिव साइन आएगा. जब वैल्यू देखो यहां करो 1 into u1 ये रहा, इसका मोमेंटम 0, इसका मोमेंटम 1 into 2 विद नेगेटिव साइन और इसका 3 into v2. इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है? तो आपके पास दो वेरिएबल आ गए इसमें, q1 और v2. और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें रेस्टिट्यूशन का लगा ले. रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता क्या है, रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का 1 होता है और फॉर्मूला क्या है, v2 minus v1 u1 minus u2. तो रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू v2 पता नहीं, u1 पता है, ये v1 पता है, v1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय u2 क्या है 0, सॉरी यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा u1 माइनस क्या 0. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो वेरिएबल और आ गए. तो एक इक्वेशन ये u1 v2 में, एक इक्वेशन ये v1 u2 में सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा. तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन में एक मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा. या एक और भी तरीका है वैसे, इसमें बड़ा फॉर्मूला लगाना, v1 v2 के बड़े फॉर्मूला लगा के काम खत्म कर दो और भी ईजी हो जाएगा. आपको फॉर्मूला v1 का आता है ना, v1 का, तो v1 का वो बड़ा सा फॉर्मूला लिखो और v1 की जगह -2 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा एक सेकंड में. वो ज़्यादा ईजी है वैसे फॉर्मूला यूज़ करना. नेक्स्ट करवाया था ये लास्ट टाइम. क्या लगेगा, 5 आंसर है. क्या फॉर्मूला लगाया, e²h कराया था ना, कि अगर थप्पा खा के हाइट अगर 20 मीटर है, अगली बार थप्पा खा के हाइट क्या हो जाएगी, e²h. तो e²h लगा लेना, डन आई गया उसमें से भी कुछ ना कुछ. तो 5 आंसर. एक तो एम ही लंबा करी जा रहा है, इसको शॉर्टकट ही नहीं पता, मैं बता रहा हूँ तुम्हें शॉर्टकट क्या है. नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चन है, बैग ऑफ सैंड ऑफ मास 9.8 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप. बुलेट जिसका मास 200 ग्राम है ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, देन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट. तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से कॉमन वेलोसिटी निकलेगी. तो आप इसमें क्या करोगे, एक एक सैंड का बैग है जिसका मास क्या है 9.8 kg, एक रस्सी से ऐसे बांध रखा है, एक बुलेट है
200 ग्राम का बुलेट है, 200 ग्राम का मतलब 0.2 केजी का बुलेट है, 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, इसको हिट करता है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन 0.2 इंटू 10, इसकी इसका मोमेंटम जीरो, आफ्टर कोलिजन दोनों इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होके कॉमन वेलोसिटी वी सी आ गई। तो आप पहले क्या निकालेंगे, कॉमन वेलोसिटी वी सी आ गई, फिर लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए इनिशियल एनर्जी बुलेट की क्या है, हाफ इंटू बुलेट का मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसे ही इस बैग की एनर्जी क्या है, इनिशियली जीरो, तो ये इनिशियल एनर्जी आ गई, इनिशियल एनर्जी आ गई। फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू टोटल मास क्या हो गया इसका, 9.8 प्लस 0.2 इंटू कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, तो कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आंसर आ गया 128 का, निकाल लेना। नेक्स्ट, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स ए बी सी एक लाइन में पड़े हुए हैं आपके सामने, तो इसके अंदर ए मूव टुवर्ड्स बी विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड क्या है, 9 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, एंड इलास्टिक कोलिजन होती है। देयर आफ्टर बी मेक्स अ कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन विद सी, तो बी जो है इन इलास्टिक कोलिजन सी के साथ करती है, और नहीं, मास ऑफ ए बी सी गिवन है, अच्छा m2m2m गिवन है, ए मूव टुवर्ड बी विद द स्पीड ऑफ 9 एंड मेक्स इलास्टिक कोलिजन, ओके इलास्टिक कोलिजन है, फिर बी जो है वो कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन, तो बी सी के साथ चिपक जाती है, फाइनल स्पीड ऑफ सी निकालनी है, पहले इन दोनों की कोलिजन करवाओ और इसकी वेलोसिटी निकालो क्या होगी, तो ये क्या गिवन है, यू वन, क्या निकालना चाहते हो, वी टू, वी टू और यू टू क्या है, जीरो। तो एक काम करो यार, वी टू का ना बड़ा सा फॉर्मूला लिखो जो याद था, एम टू माइनस एम वन, एम टू प्लस एम वन इंटू यू टू प्लस टू एम वन यू वन एम वन प्लस एम टू, तो यहां से इसको उठा के जीरो पुट कर दो, पुट करना जरा, वी टू क्या आ रहा है इसमें, एम वन की जगह एम, एम टू की जगह 2m, चेक करो, और यू वन की जगह 9, वी टू क्या आ रहा है, छे, ठीक है, वी टू मान लो 6 आ गया। ठीक है, अब कोलिजन इन दोनों की करवाओ, अब ये तो आप आपस में चिपक ही जाएंगे, तो कोलिजन से पहले मोमेंटम 2m इंटू 6 है, इसका तो जीरो ही है सी का, कोलिजन के बाद दोनों का मास बढ़ गया और कॉमन वेलोसिटी अटेन हो गई, तो फाइंड कॉमन वेलोसिटी आंसर वी सी आ जाएगा। थ्री मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है, दोनों कोलिजन का मिक्सचर दे दिया, ठीक हो गया, मोमेंटम कंजर्वेशन से आंसर आ गया, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। 131 के बाद 134 ये वाला,
इसके अंदर क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट जिसका मास एम वन है कोलाइड विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम टू, तो एम वन एम टू को टक्कर मारेगा विच इज एट रेस्ट, यू टू जीरो है। आफ्टर द कोलिजन द ऑब्जेक्ट्स मूव विद इक्वल स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रेशियो ऑफ मास निकालना है। सिचुएशन ऐसी है यू वन के साथ आ रहा है यू टू जीरो है, आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी इक्वल है लेकिन एक राइट एक लेफ्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लगेगा, एम वन इंटू यू वन प्लस जीरो माइनस एम वन इंटू वी प्लस एम टू इंटू वी, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन से इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से लगा लेना, वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, तो वी टू की जगह पुट करेंगे वी यू टू, वी टू की जगह पुट करेंगे वी, वी वन की जगह पुट करेंगे माइनस वी, और यू वन और यू टू तो पता ही है, तो सॉल्व करके एक और इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करके मास की रेशियो आ गई। वैसे बड़ा फॉर्मूला भी इसमें लग सकता है, इलास्टिक कोलिजन है, चाहो तो कोई भी वी वन वी टू तो आपको गिवन ही है, तो बड़ा फॉर्मूला लगा के भी मास की रेशियो कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, अब कोई भी लगाओ एक ही बात है। तो आसान क्वेश्चन है, इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पार्टिकल जिसका मास m इनिशियली वेलोसिटी u i कैप है x एक्सिस है परफेक्टली इलास्टिक विद मास 3m एट रेस्ट, टक्कर मारी उसने, इट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ v j कैप आफ्टर कोलिजन, अच्छा तो एक्सिस ही चेंज कर लिया तो v की वैल्यू क्या है, ओके एक्सिस ही चेंज कर लिया कोई बात नहीं कर लिया एक्सिस चेंज, तो क्या करेंगे इसमें हम, इसमें ऐसे करेंगे m पार्टिकल आएगा 3m रेस्ट पे, तो अब ये 2d कोलिजन हो गई ना यार, 1d कैसे रहेगी, जब एक्सिस ही चेंज हो गया तो एक पार्टिकल ऊपर चला गया एम वाला पार्टिकल वो y एक्सिस में चला गया, तो फिर दूसरा कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया, ऑब्वियसली यहीं गया होगा तभी तो नेट रिजल्टेंट यहाँ पे आना चाहिए कुछ, तो ऐसा कुछ डायग्राम माइंड में बनाना है आपने।
कि अगर टक्कर से पहले ये सिचुएशन थी, टक्कर के बाद एक इधर गया एक इधर ही जाएगा। तो इसमें ये जो वी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। तो इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगी लगेगी, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस उसकी एनर्जी जीरो है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम थ्री एम इंटू वी डैश स्क्वायर। तो ये तो एक क्वेश्चन आ ही गई। और दूसरी मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल लो, एक्स एक्सिस में मोमेंटम क्या होगा, थ्री एम ये क्या बनेगा, वी डैश इंटू कॉस ऑफ थीटा और कितना थ्री एम, और ये क्या बनेगा 3m into v dash into sine of theta, ऐसे बनेगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर बिफोर कोलिजन mu मोमेंटम होगा, आफ्टर कोलिजन ये मोमेंटम होगा, ये रहा। और y एक्सिस में क्या होगा, दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, है ना। y एक्सिस में मोमेंटम जो होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा इसका मोमेंटम क्या है m into v और नीचे का मोमेंटम क्या है 3m v dash into sine of theta ऐसे। तो एक इक्वेशन साइन में आएगी और एक इक्वेशन कॉस में आएगी, इन्हें स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करके आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी वी और यू में, फिर एक इक्वेशन एनर्जी की एक इक्वेशन ये, यहाँ से आंसर आएगा। ये कोलिजन इन 2D है। कोलिजन इन 2D की कहानी मैं वैसे बता देता हूँ आपको, मैंने शायद बताई नहीं थी, यहाँ से पहले देख लो। तो ये देखो, कोलिजन इन 2D में क्या करना होगा कि एक बॉल आ रही है विद द वेलोसिटी ऑफ u1 और ये किस पे एट रेस्ट है, आफ्टर कोलिजन ये ऐसे चले गए तो m1 v1 चला गया, m1 v1 cos थीटा 1 m1 v1 sin थीटा 1 और ये कहां चला गया m2 v2 cos थीटा 2 और इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट ले रहा हूं v2 cos थीटा 2 v2 sin थीटा 2। तो जब ये 2D कोलिजन होगी इलास्टिक तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व के अंदर मोमेंटम x में भी रहता है और y में भी कंजर्व रहता है। x के अंदर मोमेंटम कैसे बनेगा, टक्कर से पहले ये कैसे मूव कर रहा था x में, मोमेंटम क्या था m1 u1, टक्कर से पहले इसका मोमेंटम क्या था 0, टक्कर के बाद x का मोमेंटम क्या बनेगा m1 v1 cos थीटा 1 और इसका क्या बनेगा m2 v2 cos थीटा 2। तो ये क्वेश्चन आ गई। y का मोमेंटम क्या होगा, टक्कर से पहले ये मूव ही नहीं कर रहा था y में, इसका मोमेंटम 0, ये मूव नहीं कर रहा था इसका मोमेंटम भी 0। तो फाइनल मोमेंटम y में क्या बनेगा m1 v1 sin थीटा 1 और इसका क्या बनेगा m2 v2 sin थीटा 2, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट मोमेंटम इनका भी क्या आना चाहिए 0। और एक एनर्जी कंजर्वेशन की तो लगेगी लगेगी इसमें जो इक्वेशन है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से भी आंसर आएगा। मेरे कहने का मतलब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये टेक्निक है कि 2D कोलिजन में x का मोमेंटम अलग कंजर्व करना होता है, y का मोमेंटम अलग कंजर्व करना होता है और एनर्जी की इक्वेशन भी लगानी होती है। जैसा कि ये टिपिकल क्वेश्चन था जिसमें तीनों चीज़ें लगी, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा दी उसने, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व किया टक्कर से पहले और बाद में, मोमेंटम कंजर्वेशन किया उसने x में, मोमेंटम कंजर्वेशन किया उसने y में, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपके पास आंसर आया। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो टेक्निक समझ में आ रही है कि 2D में यही टेक्निक, और कोई टेक्निक नहीं, कोई फॉर्मूला तो है नहीं इसमें। नेक्स्ट जो आपका काम है इसमें एक रिजल्ट है, रिजल्ट ये शॉर्टकट ये है कि अगर 2D कोलिजन हो रही है इलास्टिक, m ने m को टक्कर मारी और सेपरेशन हो गया, अगर मासेस बराबर है, इलास्टिक कोलिजन है 2D कोलिजन है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा थीटा 1 एंड थीटा 2 इनका सम हमेशा 90 ही होगा। ये शॉर्टकट याद रखना है, इलास्टिक कोलिजन में 2D में मास अगर बराबर है तो दो बॉल सेपरेट होंगी बाय एन एंगल ऑफ व्हाट 90। तो याद रखना है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन लास्ट कोलिजन है इन 2D, इन इलास्टिक कोलिजन का तरीका बता दिया था मैंने आपको कि पहली क्वेश्चन इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्वेशन लगती है और दूसरी क्वेश्चन इन इलास्टिक में रेस्टिट्यूशन लगती है और कोई तरीका नहीं है वहां से v1 v2 आ जाता है। तो आप ये बुकलेट को रिवाइज करेंगे, बुकलेट में सब कुछ सारे टाइप्स के क्वेश्चन गिवन है तो आपको काफी इसमें हेल्प मिलेगी, नहीं तो आप कैटेगराइज कर नहीं पाएंगे कोलिजंस को। तो लास्ट कोलिजन है इन इलास्टिक है, एनर्जी लॉस है और 2D है। तो इसमें एक बॉल आ रही है दीवार की तरफ m1 v1 के साथ
थीटा वन एंगल के साथ, फिर जा रही है एम टू वी टू के साथ, थीटा टू एंगल के साथ। तो ये एम वन वी वन है, एम वन वी वन के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एम वन वी वन कॉस थीटा वन, एम वन वी वन साइन थीटा वन। ये इनिशियल मोमेंटम्स हैं बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन एम टू वी टू कॉस थीटा टू, एम टू वी टू साइन थीटा टू, ये फाइनल मोमेंटम्स हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन में दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, एक रेस्टिट्यूशन और एक मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन याद रखना, वाई एक्सिस दीवार मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन, जो मोमेंटम्स परपेंडिकुलर हैं, जो मोमेंटम्स परपेंडिकुलर हैं इस वॉल के, उस पर मोमेंटम कंजर्वेशन कभी नहीं लगेगा, और जो पैरेलल है इस वॉल के उस पर हमेशा लगेगा। मतलब कोलिजन से पहले दिस मोमेंटम इज इक्वल टू दिस मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल बराबर, ये एक इक्वेशन आ गई, ये और ये बराबर एक इक्वेशन। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा आपको याद होगा कि हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर एक बॉल v वेलोसिटी के साथ आती है तो वो e इंटू v वेलोसिटी के साथ चली जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज e टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे किया था। मोमेंटम के अंदर भी यही है, दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फाइनल मोमेंटम है वो e टाइम्स इनिशियल मोमेंटम है, ये सेकेंड इक्वेशन लगेगी। तो पहली इक्वेशन लगेगी मोमेंटम कंजर्वेशन किसमें, वॉल के अलोंग, और जो मोमेंटम्स वॉल के परपेंडिकुलर है उसमें रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगेगा कि फाइनल मोमेंटम इज ई टाइम इनिशियल मोमेंटम। बस यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है, इनको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देना तो आपके पास कुछ ऐसी वी टू की वैल्यू आएगी। ऐसा ऑप्शन आपको देखेगा, कम आता है इनलास्टिक कोलिजन, टू डी में कम आता है, वन डी में ज़्यादा आता है, बट इकलौता एक ही क्वेश्चन है आपकी किताब में कहीं पर भी देखोगे जो आपको हेल्प करेगा कि जिसमें 2D कोलिजन को कैसे सॉल्व करना है इन इलास्टिक में, ये बात है। नेक्स्ट इसमें जैसे अभी हम कर ही रहे थे ये क्वेश्चन, ये यही क्वेश्चन था, ये देखो क्या क्वेश्चन है, पार्टिकल ए ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी गिवन कोलाइड विद अनदर पार्टिकल बी ऑफ मास m2 विद एट रेस्ट इनिशियली, v1 एंड v2 बी द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल ए एंड बी आफ्टर कोलिजन रिस्पेक्टिवली। अगर दोनों के मासेज की रेशियो गिवन है और आफ्टर कोलिजन v1 पता है तो एंगल बिटवीन v1 v2 निकालना है आपको, ठीक है, कहानी लंबी है थोड़ी सी, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के देख लो शायद कुछ बात बन जाए, बनेगी, मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा ही, और कर भी क्या सकते हो इसमें। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 इंटू u1 वेक्टर, सेकेंड बॉडी बॉडी रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम आ गया। फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 इंटू v1 वेक्टर प्लस m2 इंटू v2 वेक्टर, इन्हें इक्वेट करके v2 वेक्टर निकाल लेना, ये इक्वेट करके v2 वेक्टर आ गया, ये रहा, ठीक है। तो पहला रिजल्ट मोमेंटम कंजर्वेशन ही रहेगा, v2 वेक्टर आ गया, v1 वेक्टर तो था ही आपके पास, तो फिर डॉट प्रोडक्ट लगा लेना, कॉस थीटा की वैल्यू एंगल आएगा, ये सही है, एंड में एंगल भी निकालना और ये डॉट प्रोडक्ट से निकले, एंगल बिटवीन टू वेलोसिटी वेक्टर्स या टू वेक्टर्स, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, सही है, लग रहा था वैसे थोड़ा मुश्किल था बट ठीक है। पहली क्वेश्चन मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगनी ही लगनी है, टक्कर से पहले मोमेंटम और बाद मोमेंटम से वी टू आ गया तो वी वन वी टू से आंसर आ गया। नेक्स्ट
तो क्या क्वेश्चन है, दो पार्टिकल्स हैं ऑफ इक्वल मास m हैव रिस्पेक्टिव इनिशियल वेलोसिटीज u i कैप एंड u, जो वेलोसिटीज गिवन है, दे कोलाइड कंप्लीटली इन इलास्टिकली, चिपक जाते हैं, एनर्जी लॉस्ट इन दी प्रोसेस, तो इन इलास्टिक कोलिजन है तो पहला काम क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 into u1 vector, m2 into u2 vector, m1 plus m2 into common velocity vector, तो यहां से common velocity vector आ गया, तो common velocity आ गई। अब आपको क्या करना है, u1 आपको पता है, u1 ये रहा, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इसकी इसका magnitude क्या होगा, u होगा, इसका magnitude निकाल लेना, u2 vector का magnitude, i के coefficient का square और j के coefficient का square निकल जाएगा, फिर common velocity का मैग्नीट्यूड निकाल लेना जो भी आएगा आई और जे का कोफिशिएंट, तो आपको क्या निकालना है, एनर्जी लॉस, जो क्या होगा हाफ इंटू एम वन इंटू यू वन स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम टू इंटू यू टू स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम वन प्लस एम टू इंटू कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यू वन का मैग्नीट्यूड पता है, यू टू का मैग्नीट्यूड पता है, कॉमन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है, वैल्यू पुट करके चेंज ऑफ एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, हर स्टेप पहला स्टेप मोमेंटम कंजर्वेशन से ही स्टार्ट होना है, वहां से कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो आनी आनी है, फिर अगला स्टेप स्टार्ट होना है जो होना है। मेथड क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, तो कोलिजन मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, आपको एक आइडिया हो गया कोलिजन का कि कैसे कोलिजन की प्रॉब्लम आती है। कोलिजन की प्रॉब्लम के बाद है सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास में से हर हालत में क्वेश्चन आना ही आना है, और बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ नहीं रहा, दो तीन मुश्किल क्वेश्चन हैं उसके टिपिकल टाइप में आपको बिल्कुल करवा देता हूं, उसके शॉर्टकट भी बता देता हूं, कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आएगा वो शॉर्टकट काम करेगा, उसमें इजी आ गया तो आपकी किस्मत है। तो हम एक बार टाइप पढ़ लेते हैं सेंटर ऑफ मास की, इन टाइप के बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना घर जाके एक बार अच्छे से, क्योंकि मेरे ख्याल से कल के टेस्ट में कोलिजन आ रहा है क्या, कोलिजन तो आ रहा है, सेंटर ऑफ मास भी आ रहा है क्या कल के टेस्ट में, सेंटर ऑफ मास तक है ना, हाँ, तो सेंटर ऑफ मास तक हम इसको कोर्स करते हैं। तो इसमें सेंटर ऑफ मास में टू पार्टिकल सिस्टम है, तो अगर आपके पास ये आपने सुना ही होगा फॉर्मूला m1 x1 m2 x2 m1 plus m2, अगर दो पार्टिकल्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन x1 y1 x2 y2, तो सेंटर ऑफ मास का x और y कोऑर्डिनेट कैन बी कैलकुलेटेड। सेंटर ऑफ मास का अगर मान लो m1 m2 का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर r2 वेक्टर है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, तो r वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, ये प्रूफ तो आपने नहीं करना, नेक्स्ट रूल आपने ये लगाना है इसमें कि जैसे मान लो कोऑर्डिनेट है m1 m2 गिवन है, x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप यहां से x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को निकाल सकते हैं m1 x1 और m2 x2 वाले फॉर्मूले से, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। जैसे m1 m2 गिवन है, r1 वेक्टर r2 वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर निकालने r वेक्टर, तो m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2 करके भी आंसर निकल सकते हैं, तो ये भी क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास बस एक ही चीज बताई गई है कि अगर मान लो आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या होता है, d बाई डी टी ऑफ m इंटू वी सेंटर ऑफ मास। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं टोटल फोर्स ऑन अ सिस्टम, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं m1 v1 m2 v2 m3 v3 करके, पर अगर एक सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास के टर्म में m इंटू वी सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ऐसे होगा। तो यानी कि अगर कोई बॉडी एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें सेंटर ऑफ मास अगर मान लो पहले रेस्ट पे है तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, और अगर मोशन में है तो बाद में भी मोशन में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ में आता है ये, जैसे आपके पास एक बॉम्ब है, बॉम्ब के दो टुकड़े हो गए, बॉम्ब जब नहीं फटा था तो उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर पड़ा हुआ था बॉम्ब के अंदर, वो फट गया, उसके सारे टुकड़े उड़ गए, तो क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, सेंटर ऑफ मास बाद में भी रेस्ट पे वहीं पड़ा रहेगा चाहे सारे टुकड़े वहां से चले जाएं, तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे, फाइनली भी रेस्ट पे। अगर मान लो गोली चलती है और गन पीछे आती है, तो गोली और गन का सेंटर ऑफ मास उसके उनके अंदर है, तो गोली आगे चली गई, गन पीछे चलेगी, सेंटर ऑफ मास हवा में इमेजिनरी वहीं टिका रहेगा, ठीक। तो जितने हमने मोमेंटम कंजर्वेशन किए उसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता है। जैसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल में एक बॉम्ब जा रहा था, फट गया, तो उसने ना फटते हुए उसने ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक कवर करनी थी, वो फट भी जाए उसके लाख टुकड़े हो जाएं तो भी उसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक ही होगी, ठीक, ये याद रखना है। यहाँ तक HCl मॉलिक्यूल है, मास आपको हाइड्रोजन का m गिवन है और क्लोरीन का 35.5 m गिवन है,
तो आपको इनके बीच में दूरी पता है 1.27 एंगस्ट्रॉम है, आपको सेंटर ऑफ मास बताना है इनका कहाँ पर होगा, क्योंकि मास बराबर नहीं, एक भारी है एक हल्का है, तो सेंटर ऑफ मास भारी की तरफ होगा। तो आपने क्या करना है, हाइड्रोजन में से एक्सिस पास कर लेना है एक्स और वाई, तो आपको हाइड्रोजन का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ये ओरिजिन पे है मान लो 0.0, टोटल डिस्टेंस इनके बीच में 1.27 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 1.27.0, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू, ये एम वन और ये एम टू। तो यहाँ से सॉल्व करके एक्स सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से इन टाइप के प्रॉब्लम में ओरिजिन खुद डिफाइन कर लेते हैं लेफ्ट की तरफ, उसके बाद सारे एक कोऑर्डिनेट तो आ ही जाता है, हाइड्रोजन का आ गया, क्लोरीन का आप निकाल ही लोगे, फिर सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, ये दो तीन स्फेयर हैं ट्राइंगल की शेप में, तो इस स्फेयर का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इस स्फेयर का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इस स्फेयर का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, तो कुल मिला के तीनों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आप मान लें ये आर 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 रेडियस है, इसको ओरिजन मान लें, ये ओरिजन है, एक्स और वाई एक्सेस हो गए, तो इसका कोऑर्डिनेट 0.0, ये डिस्टेंस 2r है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2r.0, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका डिस्टेंस x का क्या होगा r होगा, और y का निकाल लो साइन 60 इज इक्वल टू y बाई 2r, तो ये वैल्यू आ गई। फिर एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री बताए, और मास तीनों स्फीयर के सेम है, तो लगा लेना फॉर्मूला एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू वाला, और यहाँ से x और y कोऑर्डिनेट कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट है, तीन किस्म से मासेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या तो मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या एरिया वाइज या वॉल्यूम वाइज। तो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या टर्म यूज करते हैं, लैम्डा मास अपॉन लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। एरिया वाइज में क्या यूज करते हैं, सिग्मा मास अपॉन एरिया, और वॉल्यूम वाइज में क्या करते हैं, रो। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, एक स्क्वायर शीट है एक सर्कल शीट है, दोनों का सिग्मा सेम है, लेंथ एल और एल एस की, आपको सेंटर मास का कोऑर्डिनेट निकालना है क्या होगा इसके सेंटर से, स्क्वायर के सेंटर से। तो अगर स्क्वायर के सेंटर से, तो आप इसको एक्सिस मान लें एक्स एक्सिस, तो ये 0.0 हो जाएगा, ये लंबाई एल बाई टू है, ये एल बाई टू है, तो टोटल एल बाई टू क्या हो जाएगा, एल कॉमा जीरो हो जाएगा इसमें। इसका मास क्या होगा, इसका एरिया एल स्क्वायर इंटू सिग्मा। इसका मास क्या होगा, इसका एरिया सर डिस्क का इंटू सिग्मा। एम वन एम टू आ गया, एक्स वन एक्स टू आ गया, वाई वन वाई टू आ गया, सॉल्व करके एक्स सेंटर मास एंड वाई सेंटर मास कैन बी कैलकुलेटेड। तो मेथड समझ में आ रहा है इसमें कैसे करना है, सिग्मा की हेल्प से कैसे मास निकलेंगे, और कैसे हम कोऑर्डिनेट्स लेके उसकी कोऑर्डिनेट्स को निकाल के एम वन एक्स वन का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है यहाँ तक। इसमें जैसे सपोज मान लो दो पार्टिकल्स हैं, मासेस बराबर हैं, वी वन वैक्टर गिवन है, वी टू वैक्टर गिवन है, ए वन वैक्टर गिवन है, ए टू वैक्टर गिवन है। तो मैं बता दूँ कि जैसे पोजिशन वैक्टर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है एम वन आर वन वैक्टर, एम टू आर टू वैक्टर बाई एम वन प्लस एम टू। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का भी फॉर्मूला होता है एम वन वी वन वेक्टर, एम टू वी टू वेक्टर बाय एम वन प्लस एम टू। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है एम वन ए वन वेक्टर, एम टू ए टू वेक्टर बाय एम वन प्लस एम टू। तो इसके अंदर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड। तो वेलोसिटी वी वन वी टू वेक्टर पता है, ए वन ए टू वेक्टर पता है, आपको ये बताना है कि इन वैल्यूज को देखते हुए ये पार्टिकल की मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, क्या है। तो आप पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लें, आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लें, जो कि ये आएगी वेलोसिटी आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन में, एक्सेलेरेशन भी आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन एक ही लाइन में है तो पार्टिकल इज मूविंग अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन याद रखना, अगर ये आई कैप माइनस जे कैप आ जाता तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता, जीरो। तो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी आपस में 90 डिग्री पे हो जाते, फिर पार्टिकल किस में एज्यूम करते हम, सर्कल में। सर्कल में टेंजेंशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में एंगल क्या होता है, 90। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में एंगल 90 है तो सर्कल, और अगर डायरेक्शन सेम है तो स्ट्रेट लाइन। तो आई कैप और जे कैप जो आएंगे उससे पता लग जाता है कि डायरेक्शंस क्या होंगी। नेक्स्ट है, अगर आपके पास ये एक ये सिस्टम है एम वन एम टू, और मैं कहूँ इसमें एक्सेलेरेशन निकालो, लॉज ऑफ मोशन से हमने इसकी एक्सेलेरेशन निकाली हुई है, पर क्वेश्चन आएगा एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लगाओ, एक एक्सेलेरेशन नेगेटिव और एक पॉजिटिव पुट करो, क्योंकि एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है। तो आपके पास ये टर्म आएगी, इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू को यहां से यहां पुट करके ये आंसर आएगा। तो नोट कर लें, पुली वाले सिस्टम में एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला है। पुली में जब m1 m2 मूव करते हैं तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में यहां पे स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है यहां तक, तो फॉर्मूला क्लियर है यहां तक, ठीक। तो एक्सेलेरेशन लॉज ऑफ मोशन तो आ ही जाएगी,
और सेंटर मास के एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट है, जैसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बड़ी बात नहीं है, आपको ऐसे टी ब्लॉक्स गिवन होंगे और कहेगा इसका सिस्टम का सेंटर मास निकालो, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है ना आपको निकालने पड़ेंगे, ये गिवन नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे ही देगा वो, तो आप क्या करेंगे, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे सच दैट पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंटर का, जो कि क्या होगा, ये फोर है तो आधा क्या है, ये टू है, आधे से आधा क्या है, ये वन है और ये वन है, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वन कॉमा वन ये बनेगा। ऐसे आप इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर तीन ब्लॉक्स के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो एक्स वन वाई वन पता है, एक्स टू वाई टू पता है, एक्स थ्री वाई थ्री पता है, फिर एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू एम थ्री एक्स थ्री से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा। कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे सेंटर के मास लगा के, तो ये देखो मैंने निकाल रखी है, ये कोऑर्डिनेट्स से आएंगे, वन कॉमा वन, ये डिस्टेंस 3 मीटर है और ये यहाँ से 1 मीटर है, तो आप स्केल से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लें, उसके बाद तो बस फिर फॉर्मूला ही अप्लाई करने आंसर आ जाएगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का। नेक्स्ट है, इसका शॉर्टकट कराऊंगा, यहां से ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं, मेंस वालों को तो बहुत आते हैं कम से कम। आपको वो क्या देगा, आपको ना रॉड देगा, रॉड की ना ऐसे लैम्डा देगा, लैम्डा का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, एक्स के साथ क्या हो रहा है चेंज, कहेगा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालो, तो जब मास की मास पॉइंट मास नहीं है और मास की डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है, तो आप ये फॉर्मूला नोट करें, एक्स कोऑर्डिनेट अगर मान लो मास एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और वाई कोऑर्डिनेट में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये नोट करें फॉर्मूला, ये काम आएगा और ये पेपर में आएगा। ठीक है, यूज कैसे कर रहे हैं बताता हूं। यूज करने में आपने ऐसे करना है, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लैम्डा की वैल्यू, जैसे ये रहा आपको इसमें गिवन है कि लैम्डा की वैल्यू के एक्स स्क्वायर बाई एल है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लें, तो लैम्डा गिवन है तो आप फॉर्मूले में पुट करें, डीएम क्या होता है मास, स्मॉल मास क्या होगा लैम्डा का मतलब मास पर यूनिट लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ डीएक्स, तो डीएम इज लैम्डा इनटू डीएक्स, लैम्डा की वैल्यू पुट करें, इस डीएम को उठा के यहां पे पुट करें, तो यहां पुट करेंगे जीरो से एल, जीरो से एल इंटीग्रेट करके अपने आप आंसर आएगा। मैथ्स के लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मेडिकल में देखो थोड़ा 50-50 चांस है इसका आने का, तो नॉर्मल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मेडिकल में सेंटर मास के, पर जिनको नॉन मेडिकल इंटीग्रेशन बेस आता है वो आज फॉर्मूला ही पुट कर रहे हैं, उन्होंने करना क्या है, हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये पक्का करना है, ये पक्का पेपर में आता है मेंस और नीट के, कि अगर आपके पास एक सॉलिड हेमीस्फेयर है उल्टा पड़ा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या होती है 3r/8, पहला फॉर्मूला, सॉलिड हेमीस्फेयर के ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास की हाइट 3r/8 याद रखना है। रिंग पड़ी हुई है, अगर आधी रिंग, वैसे पूरी कम रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे है, आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π पे है, 2r/π पे है, ये 3r/8 पे है, ये 2r/π पे है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड कोन, बहुत आता है, सॉलिड कोन के ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या है h/4, कभी कभी वर्टेक्स से पूछ लेता है, तो h-h/4 कर लेना, सॉलिड कोन की बेस से क्या आएगा h/4। हॉलो कोन अगर होगा तो ग्राउंड से क्या होगा h/3 हो जाएगा, h/4 की जगह h/3 हो जाएगा, याद रखना h/4 की जगह h/3 डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन में, सीधा मार्क कर देना है, भाई देखना होगा कि वर्टेक्स से पूछा है कि बेस से पूछा है, तो h/4 h/3 क्लियर है। हाफ डिस्क, अगर आधी डिस्क है तो 4r/3π, हाफ डिस्क में 4r/3π, ठीक है। नेक्स्ट है हॉलो हेमिस्फेयर में r/2, हॉलो खाली हेमिस्फेयर है तो r/2,
इनमें से एक फॉर्मूला आने की बहुत चांस रहते हैं, और डायरेक्ट आ जाते हैं, याद पक्का करके जाना, भूल ना जाना इन्हें। ठीक है, तो ठीक है, जैसे आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है 100 मीटर पर सेकेंड से उसको घेरा गया और उसके ना दो टुकड़े हो गए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके, दो पीसीज हो गए 1:3 में, छोटे वाला पीस 1 वाला नीचे गिर गया बिल्कुल, और दूसरा पीस कहाँ जाके गिरा ये बताओ। अगर ये ना फटता तो आर डिस्टेंस पे गिरता, रेंज पे, फट भी गया तो सेंटर ऑफ मास तो कम से कम आर पे गिरेगा, तो सेंटर ऑफ मास आर पे गिरेगा, आर पे गिरेगा, तो एक टुकड़ा कहां गिर गया? देखो सेंटर ऑफ मास जो है, इसमें सेंटर ऑफ मास जो है ये आर पे गिरेगा। एक टुकड़ा अगर यहां गिर गया तो दूसरे टुकड़े को तो दूर गिरना ही पड़ेगा ताकि इन दोनों टुकड़ों का सेंटर ऑफ मास कहीं इनके बीच में आए, बाहर तो जा नहीं सकता। तो कहां गिरेगा? मान लो एक्स डिस्टेंस पे गिरेगा। तो आपको यह पता है रेंज का फॉर्मूला v² sin 2θ/g से निकाल के रेंज आ गई 960। तो लगाओ दोनों टुकड़ों पे ये फॉर्मूला, तो टोटल रेंज का फॉर्मूला 960 है। पहले पार्टिकल का मास m है और डिस्टेंस उसका 480 है, दूसरे का 3m है, डिस्टेंस उसका x है, टोटल मास m + 3m, और यहाँ से सॉल्व करके x आ जाएगा। तो m1 x1 m2 x2 upon m1 plus m2 रेंज का ही फॉर्मूला देगा आपको। तो ऐसे करना है ये सॉल्व, ये हमने कर लिए फॉर्मूलाज। एक शॉर्टकट और नोट करें कि अगर मान लो आपके पास m1 m2 दो पार्टिकल्स हैं, उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, आपने अगर m1 को पास ले आए बाय डिस्टेंस ऑफ d1, तो आप m2 को कितना पास लेके आए ताकि सेंटर ऑफ मास जहाँ है वहाँ का वहीं रहे? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो रूल लगाएं, m(d) = m1 × d = m2 × d', प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा आंसर आएगा m1 × d = m2 × d'। तो मतलब मैं और मान लो ये दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, हमारे सेंटर में है, मैं अगर m1 d1 डिस्टेंस पास आता हूँ तो m2 कितना डिस्टेंस पास आए कि सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहे? तो क्या रूल लगेगा? m1 × मेरा डिस्टेंस m2 × उसका डिस्टेंस, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इसमें। ये फॉर्मूला नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कहाँ काम आते हैं बता देता हूँ। अगर आपने एक बॉडी में से, जैसे डिस्क है, डिस्क में से एक छोटे डिस्क काट दी, एक बड़ी डिस्क में से छोटे डिस्क को काट के फेंक दिया, तो बचा हुआ जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास पोजिशन चेंज करेगा। तो वो कैसे पोजिशन चेंज करेगा? वो इसकी नई पोजिशन ऐसे आएगी, m1 r1 वेक्टर, m1 का मतलब बड़ी डिस्क थी, R1 वेक्टर उसके सेंटर का पोजीशन ऑफ सेंटर पोजीशन वेक्टर है, M2 का मतलब कटी हुई डिस्क है, R2 वेक्टर का मतलब जो है कटी हुई डिस्क का पोजीशन वेक्टर है, m1 - m2। या ऐसा भी कर सकते हैं, जो बड़ी डिस्क है उसका एरिया A1, उसके सेंटर का पोजीशन कटी हुई डिस्क का एरिया R2। नहीं तो सबसे आसान ये है, बड़ी डिस्क का मास इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ उसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, छोटी डिस्क का मास x2, m1 - m2। प्लीज ये नोट कर लें, मैं आपको ना लगा के दिखाता हूं सीधा, ऐसे बात नहीं बनेगी, आप ये नोट करें सीधा, ये फॉर्मूला नोट करें, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आना है।
ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक डिस्क में से ये डिस्क को काट के फेंक दिया, तो पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का यहीं कहीं आ जाएगा, तो कहाँ आएगा ये क्वेश्चन है। तो बड़ी डिस्क का एरिया क्या है, बड़ी डिस्क का एरिया ए वन क्या होगा, पाई ए स्क्वायर। कटी हुई डिस्क का एरिया क्या है, रेडियस क्या है, ए बाई टू, तो कटी हुई डिस्क का एरिया क्या आएगा, पाई इंटू ए बाई टू का स्क्वायर। तो ए वन आ गया, ए टू आ गया। जो बड़ी डिस्क है उसका कोऑर्डिनेट मान लो 0.0 है, ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है, 0.0 है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, ए बाई टू कॉमा जीरो बनेगा। तो एक्स वन भी आ गया, एक्स टू भी आ गया, एक्स वन एक्स टू आ गया। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, बड़ी डिस्क का एरिया उसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, छोटे डिस्क का एरिया उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, एरिया माइनस एरिया आंसर। एक सेकंड में आंसर आएगा, जबरदस्त फॉर्मूला है ये, बहुत सही फॉर्मूला है ये, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, आ रहे हैं। तो दो बॉडीज हैं m1 m2 और वेक्टर पोजीशन वेक्टर r1 r2 वेक्टर के बने, तो पोजीशन वेक्टर क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास का, m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। तो जो भी आंसर आएगा उसका क्या निकालना है आगे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पूछा उसका, आसान क्वेश्चन आया वैसे ना। नेक्स्ट पूछा था क्यों निकाला, मुझे पता नहीं, मैं देखा ऑप्शन देखे नहीं मैंने, ठीक है, वेक्टर पूछा है वेक्टर निकालो, मैग्नीट्यूड पूछा था मैग्नीट्यूड निकाल देना, देखा नहीं मैंने यहीं से देखा। चलो ये देख लो, बताया था मैंने कि अगर एक पार्टिकल m1 d1 डिस्टेंस पास आता है तो m2 को d2 पास आना पड़ेगा, सच दैट m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। क्या आंसर आ रहा है, कौन सा, टू मतलब कहाँ पे, सी, हाँ टूवर्ड्स ही आएगा ना, अगर मैं इसके पास जा रहा हूँ तो ये भी तो मेरे पास ही आएगा, टूवर्ड्स आंसर है, तो सही है शॉर्टकट। नेक्स्ट ये अभी कराया मैंने, -a/6 वाला, ये रहा डिस्क में से डिस्क काटना, 2021 में आया खैर, पर रूल समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, इसका आंसर चेक करें, बी है। तो इसके अंदर ट्राइंगल है ना, तो m1 m2 m3 पता है, और आप कोऑर्डिनेट्स ले लेना, इसका कोऑर्डिनेट 0.0, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस ले लेना, 0.0
3.0 और ये 0.4, तो निकाल देना सेंटर मास का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट, सही है? ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोऑर्डिनेट्स निकाल के आंसर अभी करवाया मैंने, ये लैम्डा की जगह कंफ्यूज करने के लिए रो पुट कर दिया उसने सिंबल, ये लीनियर मास डेंसिटी है, लैम्डा ही है ये, तो ये कोई भी, ये मेडिकल में नहीं आएगा, ओनली नॉन मेडिकल के लिए। तो लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है, मींस लीनियर मास डेंसिटी चेंज हो रही है, क्या निकालना है, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या फॉर्मूला करवाया था, ये रहा। तो एक्स डी एम, एक्स डी एम, डी एम का मतलब क्या था, डेंसिटी इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई अगेन डेंसिटी इंटू डी एक्स, डिनोमिनेटर में ये आएगा, ये देख लो, लैम्डा मीन्स लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स, जीरो से एल, जीरो से एल आंसर, वो सेम रूल है जो भी हमने अभी लगाया था, मैंने बस लैम्डा थोड़ा छोटा लिया था, इसने लैम्डा की जगह सिंबल रो कर दिया, पर है लीनियर मास डेंसिटी। मेथड समझ में आ रहा है करना क्या है, तो इसके अंदर डी एम की जगह क्या पुट करना है, रो इंटू डी एक्स, इसकी जगह भी रो इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन, ठीक, तो इंटीग्रेशन तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, तो क्या क्वेश्चन है, एज शोन इन अ फिगर व्हेन अ सेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस वन इज कट आउट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर, तो बेसिकली क्या किया, इस पूरे डिस्क में से, नहीं, एक स्फीयर में से स्फीयर को काट के फेंक दिया, कैविटी बन गई, तो इसका सेंटर सी था, इसका सेंटर ओ है, और सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होके जी पे चला गया, तो आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है, वही रेशन तो वही लगेगा। ऐसे कर लो, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, देखो पहले ज्योमेट्री समझ लो, टोटल रेडियस आर है, ठीक, जो टोटल रेडियस है वो आर है, ये रेडियस वन है, तो ये जो सेंटर था पूरा, उससे इसका सेंटर कितनी दूरी पे है, आर में से वन गया, आर माइनस वन, तो उसी तरीके से ये कितनी दूरी पे है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टू, टू में से क्या गया, ये टोटल डिस्टेंस क्या है, आर, आर में से क्या गया, टू गया, टू क्या चीज है, टू है ये और ये, पूरे का पूरा डिस्टेंस ही 2 मीटर है, क्योंकि डायमीटर 2 हो गया, तो डायमीटर 2 हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आर है, 2 में से आर गया, तो ये डिस्टेंस क्या बच गया, 2 माइनस आर, तो ये ज्योमेट्री क्लियर है यहां तक, तो देखो वो कह रहे हैं कि ये इसका मतलब सेंटर ऑफ मास है इसका और इसका, ऑब्वियसली अगर ये दोनों मासेस, ये कटा हुआ मास है और ये बचा हुआ मास, ये मीन ये मास वो है जिसको काट के फेंक दिया, कैविटी वाला, और ये बचा हुआ लेफ्ट मास है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन जी पे आएगा, उसका यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, 2 माइनस आर, इक्वल टू मास ऑफ कटा हुआ पोर्शन कैविटी इंटू आर माइनस वन, तो ये कैसे आया ये भी समझ लो, कई लोगों को नहीं समझ में आता है ये, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है 0.0, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस 2 माइनस आर कॉमा 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आर माइनस 1 कॉमा 0, ऐसे, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का तो 0 ही है, ये रहा, मान लो ये एक्स सेंटर ऑफ मास है, ये वाई सेंटर ऑफ मास है, ये मान लो एक्स वन है, ये मान लो एक्स टू है, तो एम वन एक्स वन, तो ये मास कौन सा मास है, ये रिमेनिंग पोर्शन का मास है, ये कैविटी वाला मास है, तो क्या करेंगे, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इनटू माइनस ऑफ 2 माइनस आर प्लस मास ऑफ कैविटी वाला पोर्शन इनटू आर माइनस 1 अपॉन टोटल मास, तो जीरो से कट ही जाएगा,
तो इसका शॉर्टकट सीधा लगा दिया ये रहा कि मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इनटू 2 माइनस आर, मास ऑफ कैविटी इनटू आर माइनस वन, इक्वेट कर दिया। रिमेनिंग पोर्शन का मास क्या हो गया, टोटल मास इनटू कटा हुआ मास, और इक्वल टू क्या, मास ऑफ कैविटी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कैविटी इनटू डेंसिटी ऑफ कैविटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। मैं रूल बता रहा हूँ कि ऐसा रूल लगाया जा सकता है इसमें। हाँ वो भी लग जाएगा, ए बचा हुआ बोला ना, वो लगेगा पर एक्स कोऑर्डिनेट शिफ्ट कर देगा, आपको एक्स कोऑर्डिनेट बता देगा, हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए नहीं इसमें। हाँ ऐसा कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है 2 माइनस आर, तो 2 माइनस आर हाँ वो कर सकते हो। a1x1 वाला फॉर्मूला कह रही है, a1x1 माइनस a2x2 बाई a1 माइनस a2 लग सकता है इसमें, लग सकता है। इसका आंसर डी है। देखो इसमें करना क्या है, आपने इस पोर्शन को हटा दिया तो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा पता है, इस क्वाड्रेंट में हो जाएगा कहीं पे, क्योंकि ये तो कट गया तो कट के यहीं पे आएगा, सारा मास एल शेप बन जाएगा, सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे आएगा। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, ये ओरिजिन है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो पोर्शन काट दिया और जो पोर्शन बच गया मिला दिया जाए तो सेंटर ऑफ मास वापस ओ पे आ जाएगा, और ओ का कोऑर्डिनेट तो पता ही है आपको, ए बाई टू पी बाई टू। तो यानी कि इसके अंदर सेंटर ऑफ मास वो कह रहा है कि लेट सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जो एक्स डैश वाई डैश है और डाउनवर्ड बाई एक्स डैश वाई डैश है, एंड ए बाई फोर बी बाई फोर कोऑर्डिनेट्स है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन टुवर्ड्स राइट ऑफ बी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए बाई फोर और बी बाई फोर, जो रिमूव किया उसका सेंटर की बात कर रहे हैं, जो पोर्शन रिमूव किया उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा ए बाई फोर और बी बाई फोर। तो अब वो ये कह रहा है कि जो पोर्शन रिमूव किया उसका मास है m बाई फोर, उसका x कोऑर्डिनेट है a बाई फोर, जो पोर्शन बच गया उसका x कोऑर्डिनेट है x डैश, और इन दोनों को मिला के सेंटर ऑफ मास वापस ओरिजिन पे आ जाएगा जो कि जीरो है मान लो। तो यहाँ से सॉल्व करके x डैश एंड y डैश कैन बी कैलकुलेटेड, पर क्योंकि x डैश y डैश, x डैश की वैल्यू कितनी है a बाई ट्वेल्व और y डैश की वैल्यू कितनी है b बाई ट्वेल्व, मैंने ये क्वेश्चन ये मानते हुए किया है कि मेरा ये ओरिजिन है, पर एक्चुअल में ओरिजिन तो ये है, तो मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस एक्स डैश यहाँ से आया, पर यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से निकालने के लिए आप इतनी लेंथ में से इस डिस्टेंस को माइनस करके बचा हुआ डिस्टेंस निकाल लेंगे। मतलब मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें मैंने इसका ओरिजिन मान लिया 0,0, ये माना ही नहीं, मैंने माना ही नहीं, ये 0,0 मान लिया, तो मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या आ गया, एक्स डैश एंड वाइड है, इसके हिसाब से का मतलब ये आ गया एक्स डैश, पर मेरे को तो ये ओरिजिन गिवन है, तो मेरे को तो ये आंसर निकालना था ये वाला, तो ये निकालने के लिए टोटल लेंथ में से इसको क्या कर लिया मैंने माइनस, तो बचा हुआ डिस्टेंस आ गया। ऐसे टोटल डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस वाई को क्या कर दिया माइनस, तो बचा हुआ वाई आ गया, ऐसे किया। तो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, बट समझ में आ रहा है इसमें कोऑर्डिनेट्स का गेम है सारा, तो कोऑर्डिनेट्स को यूज करके कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है ये।
तीन आइडेंटिकल स्फेयर्स है मास एम कॉर्नर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स इक्वल टू 3 मीटर ईच टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स एज ओरिजिन। साफ ही तो कह रहा है यार, ये साइड ओरिजिन ले लो, ये 3-3 मीटर की लेंथ है, 0-3-3-0 मास बराबर है, लगा दो m1 m x1 m2 x2। सर तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो पहली टाइप ऑफ कैटेगरी m1 x1 की है, बता देता हूँ मैं आपको। दूसरे टाइप की कैटेगरी जो है वो लैम्डा वाली है, लैम्डा वाली। तीसरे टाइप की जो कैटेगरी जो चल रही है वो ये पॉइंट मास की चल रही है। चौथा कटिंग वाला, डिस्क कटिंग। ये चार टाइप की कैटेगरी में से क्वेश्चन आना है, बाकी तो किस्मत है। आप बुकलेट सारी करके जाओगे तो सारी टाइप्स हो जाएंगी, तो बुकलेट जरूर रिवाइज करके जाना, उसमें काफ़ी टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है, तो उसको ट्राई करना और कल प्रैक्टिस करना।